क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दे रखा है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इवेलुएट, पहला पार्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। लिख लेते हैं सॉल्व, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्या करेंगे, एक हम ट्रायंगल बना लेंगे, छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। फिर हम फॉर्मूले लिखेंगे पीवीपी अपॉन एचएचबी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये साइन होता है, ये कॉज, ये कॉट। तो कॉट थीटा को अगर हम लिखेंगे तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा बी अपॉन पी। ये होते हैं साइन थीटा, ये cos थीटा और tan थीटा। tan का इनवर्स क्या होता है, cot थीटा। तो b अपॉन p हम लिख लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। मतलब लिख देंगे यहां पर वैल्यू 7/8। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो मेरा बेस कितना हो गया, यहां पर बेस की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, 8 निकल के आई। निकालना हमें क्या है, हाइपोटेनस एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम से हमें एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 8 का होल स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है 7 का होल स्क्वायर। तो अगर हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 9 में 4 ऐड करेंगे 13, कैरी 1, 4, 6, 10 और 11। अंडर रूट निकल के आएगा मेरे पास 113 निकल के आया। अगर हमें h निकालना है तो अंडर रूट निकल के आएगा 113। ये मेरा हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल कर आ रही है, हाइपोटेनियस। तो ये मेरा निकल के आया है अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 मेरे पास हाइपोटेनियस निकल कर आया। अब हमें निकालने क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा अगर हम निकालेंगे, यहां पर निकाल लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरा यहां पर कितना है, देख आप लोगों को दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास दिया गया है 8 और हाइपोटेनियस आया है मेरे पास अंडर रूट 113। इसी तरीके से कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच। बेस मेरा है 7, हाइपोटेनियस है अंडर रूट 113। ये मेरा साइन निकल आया, कॉस निकल आया। हमें पहला पार्ट में जो निकालना है वो क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें इवेल्युएट करना है, पहले वाले पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्म क्या लिखी है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म लिखी हुई है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल के आएगा अपॉन, इसी तरीके से नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इतना मेरे पास निकल कर आएगा। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा के यहां पर क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन रूट 113 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकल कर आई है 7 अपॉन अंडर रूट 113 और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से इसको आगे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 मेरा एज इट इज रहेगा, 1 मेरा एज इट इज, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है और
अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 निकल के आएगा इक्वल टू। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस बटे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही काम इसमें करेंगे, अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 113 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 113 निकल के आएगा, माइनस 64 का 1 में करेंगे 64 निकल के आएगा अपॉन 113 अपॉन। इसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 का 1 में अगर करेंगे तो ये 113 निकल के आएगा, माइनस 49 अपॉन 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 113 और ये 113 हमारे हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन, जब हम 113 में से 64 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 49, इसको माइनस करने पर ये निकलेगा 49, और ये 1139 में से अगर हम 49 अगर माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 64, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। अब हम देख लेते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हमारा क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई थी आप लोग देख लिए, ऊपर मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू जो दी है वो 7/8 ऑलरेडी दे रखी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या ले सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8 पहले से ही क्वेश्चन में दी गई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, तो मेरा ये वाला आंसर सेकेंड पार्ट भी निकल कर सेम ही आंसर आएगा, तो ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64।